चलिए आज बनाते हैं बिना किसी सिंथेटिक कलर यूज किए हुए गुलाल बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो सिर्फ होली इसलिए इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रहता है उन कलर में। तो घर पे रखे हुए नेचुरल से चीज़ों से इसे हम बनाएंगे जिसे हर बच्चे इस त्यौहार को इंजॉय कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रीन कलर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने पालक का पत्ता यूज किया हुआ है जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे ब्लेंडर में स्मूथ सा हमें पीस लेना है। पीसने के टाइम पे बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना है, ज्यादा पानी नहीं डाले नहीं तो जो हमारा पालक का जूस निकलेगा वो बहुत ज्यादा पतला भी हो जाएगा और जो कलर हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। छन्नी की हेल्प से इसे हम छान लेते हैं जिससे जो इसके पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाए और ये देखिए ग्रीन कलर का जूस हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हम जो ब्राइट पिंक कलर बनाएंगे वो बनाएंगे बीटरूट से। बीटरूट को मैंने छील लिया है, चॉप कर लिया है, ब्लेंडर में डाल दिया है। अगेन थोड़ा सा ठंडा पानी यूज करते हुए इसे हमें स्मूथ सा पीस लेना है और छन्नी से छान लेना है जिससे बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर आता है। अब देख सकते हैं सिर्फ घर के ही बहुत ही सिंपल चीजों से हम कलर बना सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लू कलर आता है उसके लिए हम यूज करेंगे बटरफ्लाई पी। यहाँ पे मेरे पास ड्राइड वाले बटरफ्लाई पी रखे हुए थे, उसका मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ताजे वाले हैं तो आप डेफिनेटली उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस ड्राइड फ्लावर पी को हमें पानी के साथ उबाल लेना है जिससे इसका जो सारा कलर है वो आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ था लगभग आधा कप पानी और इसमें मैंने डाल दी थी थोड़े से ड्राइड पीस और इसे ढक के पका लिया था जिससे इसका जो भी जूस है वो आ जाए। तो अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा ब्लू कलर आ चुका है। तो इसे मैंने दो बोल में ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि इस बटरफ्लाई पी से हम दो कलर बनाएंगे। दोनों को ट्रांसफर करने के बाद जो दूसरा कलर हम इससे बनाने वाले हैं वो है पर्पल कलर, जो बहुत अच्छा सा लेवेंडर कलर लेके आएगा। तो आप देख सकते हैं इसके लिए हमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देना है। तो देख सकते हैं लेमन जूस डालते ही इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बन गए ना हमारे सिर्फ एक फ्लावर से दो कलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और लेवेंडर कलर के गुलाल हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, किसी भी गहरे वाले बोल में या फिर चौड़े से प्लेट में हमें डाल देना है। आधा कप कॉर्नफ्लावर मैंने लिया हुआ है और इसमें मैंने डाला हुआ है थोड़े से जूस जो हमने बीटरूट के निकाले थे, और इसकी जो डार्कनेस है वो आप अपने जूस की क्वांटिटी के ऊपर कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज्यादा डार्क कलर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा जूस मत डाल दीजिएगा, नहीं तो गुलाल जो हमारी है वो गीली हो जाएगी और इसे ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर किस तरीके का दिख रहा है, हल्का सा क्रम भी है लेकिन इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे ओवरनाइट या फिर 4 से 5 घंटे के लिए जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाए। फ्रेग्रेंस के लिए यहाँ पे मैं रोज वाटर डाल रही हूँ जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हम फिर से कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने पालक का जूस निकाला था और इसे भी हम अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। मिलाने के टाइम पे जब हम जूस मिलाते हैं तो टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, इसे मिलाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर भी आ चुका है। प्रेगनेंस के लिए मैं यहाँ लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड नहीं करना है तो इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं या फिर आपको जो भी फ्रेगनेंस अच्छा लगता है उसे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने कॉर्न स्टार्च यूज किया हुआ है जिसे कॉर्न फ्लावर कहा जाता है। इसके जगह आप अरारोट भी यूज कर सकते हैं या फिर टेलकम पाउडर भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ, लेकिन अगर आप टेलकम पाउडर यूज करेंगे तो वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी केमिकल रहते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप नेचुरल चीजों से गुलाल बनाएंगे तो वो स्किन के लिए हार्मफुल भी नहीं रहेगा और आपको भी पता है कि आपने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले थे और ये बच्चों के लिए बहुत ही सेफ हो जाता है। तो चलिए अब फाइनल हम बना लेते हैं लेवेंडर कलर। तो यहाँ पे फिर से मैंने कॉर्न स्टार्च में मैंने डाला है थोड़ा सा बटरफ्लाई पी का जो जूस हमने बनाया हुआ था। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जूस मेरा ज्यादा हो गया है, तो इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल ऑब्लेक जैसा हुआ है, बहुत ज्यादा गीला नहीं हुआ है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये इतना आप मत डालिएगा जैसे जो मेरे से गलती हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी चम्मच से ही यूज करते हुए डालिएगा। तो इस तरीके से चार कलर तो हमारे बन गए, लेकिन पांचों कलर जो हमारा बेसिक कलर होता है वो होता है किसी भी त्योहारों में पीला कलर। तो पीला कलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, हल्दी यूज करेंगे। यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक हल्दी यूज कर रही हूँ क्योंकि रेगुलर तौर पर मैं ऑर्गेनिक हल्दी ही यूज करती हूँ। अगर आपके पास ऑर्गेनिक हल्दी नहीं है तो कच्ची वाली हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने इस पे डाल दिया है और इसे थोड़ा सा पानी के साथ में मिला लिया है जिससे हमारा बहुत ही बेहतरीन सा पीला कलर भी आ गया है।
अब इस कलर को हम थोड़ा सा ड्राई करने के लिए रख देते हैं। मैंने इसे ओवरनाइट ड्राई करने के लिए रख दिया था क्योंकि ये हल्का सा मॉइस्चर रहता है क्योंकि इसमें हमने पानी डाला था। तो ड्राई होने के बाद इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट हो जाता है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। और ये जिसमें हमने पानी डाल दिया था ज़्यादा, आप देख सकते हैं वो जम गया था, लेकिन वो भी अब ड्राई हो चुका है। तो इसे हम फोर्क की हेल्प से अलग कर लेते हैं और इसे हमें करना क्या है वो आगे हम देखते हैं। पहले तो हमने छन्नी से सारे कलर को छान लिए हैं जिससे वो स्मूथ हो जाए, स्किन में कुछ भी इरिटेशन मत हो। तो ये वाला स्टेप आप जो कलर है ड्राई होने के बाद ही करिएगा। तो ये देखिए बन गया हमारा बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल नेचुरल कलर का गुलाल। और ये रहा हमारा जिसमें हमने ज़्यादा पानी डाल दिया था गलती से, उसे हमें स्मूथ कर लेना है ब्लेंडर के हेल्प से। ब्लेंडर में से मैंने स्मूथ सा पीस लिया है और ये भी बनके रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं 5 बहुत ही बेहतरीन गुलाल कलर हमारे बनके रेडी हो गए जो बच्चों के स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर आपको ये गुलाल की रेसिपी अच्छी लग रही है प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। साथ में मम्मा सुपर किड्स में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बींग ए पेरेंट्स मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड रेसिपीज। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।